मैं पहुंच चुका हूँ एक्स सेंटर। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। यू कैन सी ये है एक्स सेंटर। ये चेंगमा सिटी से, आई मीन सिटी सेंटर से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स दूर है एंड इट विल टेक यू हार्डली 20 मिनट्स टू रीच आउट हेयर। अगर आपको कोई भी एक्टिविटीज़ करनी है, आई शो यू यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। सो आपको इनमें से एक भी एक्टिविटीज़ करनी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। लाइक सी दे हैव बंजी जंपिंग, ड्रिफ्ट कार्ट्स, बाइक, बगी, ATV एंड पेंट बॉल। अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है इनमें से तो आप यहाँ पे आ सकते हो। एंड इतनी महंगी भी नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ सारे डर्ट बाइक्स और सारी बाइक्स पड़ी है। काफ़ी अच्छा, यू कैन सी यहाँ पे आते ही इन्होंने मुझे पहले वेलकम किया एंड देन अभी वो बताएगा हमें कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है एंड कैसे कैसे कर सकते हैं। ये है बंजी जंपिंग का लोकेशन, आप लोग देख सकते हो नीचे पूरा पानी है एंड यहाँ पे कोई नेचुरल माउंटेन या ऐसी हाइट नहीं है जहाँ से आपको जंप करना पड़ेगा, बट एक मैन मेड टावर लगा हुआ है। आपको लिफ्ट के थ्रू इस टावर के टॉप पे जाना है एंड टॉप पे जाने के बाद आपको डायरेक्ट जंप करना है नीचे एंड आपका बंजी जंपिंग पूरा हो जाएगा। अगर कोई बंजी जंपिंग कर रहा होगा तो मैं आपको भी दिखाऊंगा उसका वीडियो लेके। सो गाइस, मैंने यहाँ पे बंजी जंपिंग तो नहीं की बट हाँ गो कार्टिंग कर ली, बिकॉज वो काफ़ी इजी और अच्छी थी। बंजी जंपिंग करने का मन नहीं हुआ इसलिए नहीं किया। यू कैन सी ये डर्ट बाइक, आई डोंट नो कौन सा बाइक है ऐसे यहाँ पे लेके, यू कैन ड्राइव ऑल अराउंड। पूरे के पूरे ट्रैक्स है जो कि ऊपर जाते हैं नीचे में, आप वहाँ पर जाके पूरा बाइकिंग कर सकते हो। सो नाउ अभी मैं जा रहा हूँ वापस काउंटर पे, आई विल जस्ट कलेक्ट एवरीथिंग जो मैंने वहाँ पे रखा था एंड आई विल गो बैक टू माय होटल नाउ। अगेन इट विल टेक मी हाफ एन आवर मेरे होटल पहुँचने में एंड वहाँ पे एक दो जेल रेस्टोरेंट मैंने देखे थे चेंग माई में, सो मैं वहाँ पे जाके खा लूँगा एंड देन हाय कब का। सो आई विल गो एंड देन खाना खा के आई विल गो फॉर चेंग राय अगेन। गैस जो मैंने आपको दिखाया था जाते वक्त टेम्पल जैसा, सो मैं यहाँ पे अभी रुक चुका हूँ। सो आई विल जस्ट शो यू कि यहाँ पे क्या क्या, ये काइंड ऑफ टेम्पल ही है यहाँ पे। आई मस्ट से कि टेम्पल बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छे अंदर और क्या क्या दिखता है। कैसे वैसे तो बहुत बड़ा है, आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लोर इट फुल, बट मोर और लेस यू कैन सी इसको कितने अच्छे से बनाया हुआ और कितने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इसके साइड्स यू कैन सी द आर्किटेक्चर, कितना डिटेलिंग है। सी गाइस कितना मस्त डिटेल में एकदम इन्होंने किया हुआ है पूरा का पूरा डिज़ाइन कलर, और बहुत अच्छे से मेंटेन भी किया है। लेट्स सी इस तरफ क्या, आई विल जस्ट गो एंड चेक आउट। आई थिंक है तो टेम्पल ही है, लेट्स सी इफ आई गेट चांस टू गो इनसाइड।
फोटोग्राफी आई एम नॉट श्योर परमिटेड है कि नहीं है। तो गैस मंदिर के अंदर फोटोग्राफी के लिए ना तो नहीं बोला गया, इसलिए मैंने वीडियो शूट कर लिया। आप देख सकते हो कि कितनी शांति थी वहाँ पे। और आई थिंक बुद्ध भगवान के टेंपल सारे ही अच्छे होते हैं, एकदम काम फील कर रहा था आपको कि आप वहाँ पे जाके आराम से शांति से बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो। अभी मेरा टाइम हो रहा है टू गो बैक टू द होटल बिकॉज मुझे निकलना भी है। आई एम श्योर कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा ये टेम्पल, क्योंकि टेम्पल है ही इतना अच्छा। थाईलैंड के बहुत सारे टेम्पल्स, आई मीन नॉट ओनली बहुत सारे बट सारे टेम्पल्स ही अच्छे हैं। गाइस अभी जस्ट मैंने खाना खाया चेंग मई में, एक रेस्टोरेंट है अच्छा करके, यहाँ पे आपको प्योर जैन खाना मिल जाएगा, जैन वेज सारा का सारा खाना मिल जाएगा। इनका एक ब्रांच चेंग राय में भी है, सो लेट्स सी मैं वहाँ पर भी जाऊँगा कल। बट होटल का इंटीरियर आप देख सकते हो कि ऐसा है, स्टाफ भी काफ़ी फ्रेंडली है, खाना भी काफ़ी अच्छा है। मैंने मेरा स्कूटर वापस हैंड ओवर कर दिया है, मैंने जैसे रेंट किया था उसका नाम था मैंगो बाइक सेंटर, मुझे ये पड़ा 200 baht में और उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट हाफ पेट्रोल भरवा के दिया था। उसमें मैंने और कुछ पेट्रोल भरवाया नहीं बिकॉज ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बट मैंने उसको ड्राइव किया ऑलमोस्ट 50 kilometers। सो आप बोल सकते हो कि 200 बात में 50 किलोमीटर्स इज़ ए वेरी वेरी गुड डील। आई मीन इतना तो अपने को इंडिया में भी सस्ता नहीं मिलता होगा कि यू कैन ड्राइव 50 किलोमीटर्स जस्ट इन 400-500 rupees। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर आप आते हो चेंग माई में सो आप यहाँ पे आके बाइक रेंट कर लेना, बिकॉज यहाँ पे गली के अंदर अंदर बहुत सारे कैफेज़ हैं, आपको हर गली में बहुत सारे अलग अलग कैफेज़ मिल जाएंगे, यूरोपियन ये अमेरिकन। सो आप वो कैफेज तभी जा पाओगे अगर आपके पास एक्टिवा या कुछ ना कुछ बाइक रहेगा, नहीं तो आप चल चल के थक जाओगे। यहाँ पे रोड एटिकेट्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, आई मीन हर कोई आपको यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता हुआ दिख जाएगा। अगर आप वॉक कर रहे हो तो ये लोग आपको पहले प्रेफरेंस देंगे, और उसमें भी अगर कोई गाड़ी वाला है तो वो पहले स्कूटर वाले को आगे जाने देगा एंड देन वो आगे जाएगा। अगर कोई भी गाड़ी वाला गली के अंदर से आ रहा है तो रुकेगा, यू विल सी कि आगे पीछे से लेफ्ट राइट से कोई आ तो नहीं रहा, और जब पूरा रोड खाली होगा तभी वो आगे बढ़ेगा, आई मीन तभी वो लेफ्ट राइट लेगा। ऐसा नहीं कि वो बिना देखे सीधा बीच में घुसा देगा और फिर दूसरे लोगों को अपनी गाड़ी एक्टिवा रोकनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा रूल्स फॉलो करते हैं। एंड एक और चीज़, यहाँ पे मैंने नॉट ओनली यहाँ पे बट बैंकॉक में भी मैंने किसी का भी हॉर्न नहीं सुना, ना बस वालों का जो पब्लिक बस थी जिसमें मैंने ट्रैवल किया, ना गाड़ी वालों का। यहाँ पे आपको सारी की सारी गाड़ी दिखेगी, आई मीन प्राइवेट कार्स दिखेगी, वो लोग भी एक बार भी हॉर्न नहीं बजाते, मैंने हॉर्न सुना ही नहीं यहाँ पे आके। इनफैक्ट मैंने एक बार हॉर्न बजाया तब आई रियलाइज यहाँ पे लोग हॉर्न नहीं बजाते, क्योंकि यहाँ पे लोग आराम से रुक के दे चेक कोई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दे टेक टाइम एंड दे गिव द वेस, वो लोगों को जाने की जगह देते हैं। सो किसी को हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई बीच में आता ही नहीं है, एंड बहुत अच्छा है। अगर ये कल्चर करंट ऑयल से कि यूरोपियन है जो डेवलप कंट्रीज होती है वेस्टर्न कंट्रीज वहाँ पे फॉलो होता है, कि यहाँ पे लोगों को पेडेस्ट्रियन को चलने वालों को वो लोग रेस्पेक्ट देते हैं एंड दे अलाउड देम टू गो। अभी मैं जा रहा हूँ मेरी होटल, आई मीन चेंग माई की होटल,
यहाँ से मैं मेरा लगेज लेके मैं निकल जाऊँगा चैंग में बस टर्मिनल 1 या 3, आई एम नॉट श्योर कौन सा है, एंड वहाँ से मेरी बस रहेगी चैंग राय की। सो आज की रात और कल की रात चैंग राय में है, उसके बाद आई गो टू कोसमई। चैंग माई में मेरे होटल पहुँचने के बाद मैंने वहाँ से ऑटो किया, ऑटो आई मीन टुक टुक किया, जिसने मुझे चैंग माई के बस स्टेशन पर पहुँचाया 150 baht में। और जैसे ही मैं बस स्टेशन पर पहुँचा मुझे मालूम पड़ा कि चैंग माई से चैंग राय की एक भी बस खाली नहीं है। और इशू ये है कि मुझे आज ही जाना है चैंग राय, बिकॉज मेरा चैंग माई में होटल बुकिंग नहीं है। सो अगर मैं चैंग माई में रहता तो मुझे चैंग माई में होटल करना पड़ता, और जो मेरा चैंग राय की होटल का बुकिंग का पैसा दिया है वो मेरा पूरा वेस्ट हो जाता। एंड लकीली जैसे ही मैं वहाँ पर उतरा ऑटो से, मुझे वहाँ पर एक और ऑटो वाला मिला, उसने पूछा कि वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आपको कहाँ पर जाना है। तो मैंने बोला कि चैंग राय जाना है। देन उसने मुझे कपल से मिलवाया वहाँ पर, ये एक स्विस कपल है, वो लोग ऑलरेडी वहाँ पर वेट कर रहे थे, उनको भी चैंग राय जाना था। सो वो लोग वेट कर रहे थे कि और कोई आए जो उनके साथ टैक्सी शेयर कर सके। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि हम लोग टैक्सी करने का सोच रहे हैं फ्रॉम चैंग माई टू चैंग राय, सो इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन यू कैन जॉइन। सो मैंने उनको हाँ बोल दिया, एंड देन 1000 baht वो पे करने वाले हैं, 1000 baht मैं पे करने वाला हूँ। और अभी मैं हूँ ऑन द वे, ऑलमोस्ट मैंने 1 hour की जर्नी क्रॉस कर ली है, और अभी मैं पहुँचा हूँ, कोई गैस स्टेशन है यहाँ पे बीच में, वहाँ पे गैस भरवाने के लिए और एक ब्रेक के लिए। सो यू कैन सी मेरे पीछे कि ये भी ये लोकेशन भी काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ से, आई विल जस्ट शो यू। यहाँ पे भी एक 7-Eleven है, यहाँ पे बस खाने का है, एंड देन यहाँ पे वापस कुछ ब्लैक कैनियन है, आई डोंट नो क्या है, यहाँ पे उनका गैस स्टेशन है। सो लकीली मुझे वो कपल मिल गया, अगर मुझे वो कपल नहीं मिला होता तो मुझे आज वापस चैंग माई में ही रुकना पड़ता, और कल मुझे चैंग माई से चैंग राय की बुकिंग करनी पड़ती, मेरा एक दिन का पूरा वेस्ट हो जाता है पैसा होटल का। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की जर्नी करने के बाद अभी मैं पहुंच चुका हूँ चैंग राय में, और ये मेरा चैंग राय का होटल। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, होटल बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसी क्रिसमस से काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एंड ये होटल थोड़ा मॉडर्न टाइप का लग रहा है, एटलीस्ट बाहर से, रेदर देन मेरे जो होटल थे बैंकॉक और चैंग माई में, वो दोनों काफ़ी ट्रेडिशनल लग रहे थे, ये थोड़ा मॉडर्न लग रहा है। सो लेट्स सी यहाँ पे कैसा रहता है, आई चेक आउट माई रूम्स की कैसा है, लेट यू नो। और कल सुबह मैं आपको होटल पूरा डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पे मैं आज रात हूँ, कल पूरा दिन हूँ, और परसों भी हूँ। परसों मेरा चेकआउट है, सो आई विल कीप माय लगेज एट द रिसेप्शन, एंड देन दोपहर को काफ़ी चला जाऊँगा घूमने के लिए। ये है चैंग राय का फेमस क्लॉक टावर, ये मेरे होटल के एकदम ही नज़दीक है, और आप देख सकते हो कि रात को ये कैसा लगता है, ये पूरा गोल्डन है, उसके ऊपर लाइटिंग से वापस काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट इसको मैं आपको कल वापस सुबह दिन में भी दिखाऊंगा, सो दैट यू कैन कंपेयर रात को और दिन में इसमें कितना फ़र्क है, एंड यू कैन लेट मी नो कि रात को अच्छा दिखता है दिन में अच्छा दिखता है। पास जा रहा हूँ तब मुझे इसके ऊपर एकदम बारीक बारीक डिजाइन दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। एक बार मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, सी अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा डिजाइन एकदम, एंड चैंग राय भी थोड़ा बहुत चैंग माई जैसे ही लग रहा है। अभी तक मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया नहीं है, बट थोड़ा बहुत वैसे ही लग रहा है, अच्छी कैसा है आगे जाके। यहाँ पे भी छोटे छोटे घर और छोटी छोटी गलियाँ हैं जिनमें लोग रहते हैं, एंड वहाँ पे 7-Eleven शॉप्स, यहाँ पे आई थिंक स्पोर्ट्स बार बहुत ज़्यादा है रेदर देन कैफेज, बट सी लेट्स सी, मैंने एक्सप्लोर किया नहीं है, लेट यू नो।